जय हिंद। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में, जिसमें सारा का सारा सोलर सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सोलर सिस्टम से, चाहे वो आपके प्लैनेट से हों, सन से हों, या फिर डिफरेंट टाइप के जो भी हमारा सौरमंडल का एक जीके रहता है, उसको आज हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विजयपथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप एक बार अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में, जिसमें हम सोलर सिस्टम से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे सौरमंडल में जो है वो टोटल कितने ग्रह आते हैं, कितने प्लैनेट आते हैं। तो हमारे 8 ग्रह जो हैं वो सौरमंडल में आते हैं। उसके बाद सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल होते हैं, जो एक दूसरे के द्वारा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि एक ऐसी फोर्स जिनके द्वारा ये होल्ड किए हुए हैं। तो वो फोर्स कौन सी होती है हमारी, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके द्वारा ये सारे के सारे एक सिस्टम में बंधे हुए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोलर जो हमारा सिस्टम है उसमें सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूम्रकेतु, ये सारे हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। इसमें ये हमारा एक सन आता है, प्लैनेट आते हैं, उसके बाद उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट्स आती हैं, उसके बाद उल्का पिंड है तो मेट्रियॉइड्स इसमें आते हैं, उसके बाद क्षुद्र ग्रह है तो एस्ट्रियॉइड इसमें आते हैं, उसके बाद धूम्रकेतु का मतलब होता है हमारे पास कॉमेट। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। उसके बाद सूर्य, इसके केंद्र में स्थित एक क्या है, तारा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट क्या है, तो वो है हमारा सूर्य। सूर्य जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और ये एक तारा है, ना कि ये एक ग्रह है, ना कि ये एक उपग्रह है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तो ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के लिए एनर्जी भी देता है और साथ में लाइट भी देता है। उसके बाद पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 149 लाख किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट और 18 सेकंड यहाँ पे लगते हैं। तो बड़ी सारी बुक्स में ये वेरिएशन रहती है, किसी किसी में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय जो है वो भी यहाँ पे बताया जाता है। सो आपको एक बार अपनी तरफ से जो है वो यहाँ पे इसको सर्च करना है, 8 मिनट और कितने सेकंड जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगते हैं। उसके बाद 6th पॉइंट की बात करते हैं, सूर्य से दिखाई देने वाली जो सतह है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल का मतलब है लाइट सर्कल। तो जो भी सूर्य से एक सतह जो है वो दिखाई देती है उसको हम प्रकाश मंडल या फिर लाइट सर्कल के नाम से जानते हैं। तो इस सतह का जो तापमान रहता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारा जो सन है वो गर्म है और इतनी ज्यादा वो हीट यहाँ पे रिलीज करता है। उसके बाद 0.7 है, इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से लगभग कितनी है, 28 गुना ज्यादा है। तो 28 टाइम्स जो है वो इसकी अट्रैक्टिंग पावर जो है वो हमारी अर्थ से ज्यादा है। उसके बाद जो परिमंडल है इसका, जिसको हम करोना बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय जो इसकी एक ऊपरी सतह दिखाई देती है तो इसे जो है वो सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सोलर के। उसके बाद 1 बाय 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले सन की बात करेंगे, उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट आते हैं सारे के सारे प्लैनेट, और प्लैनेट के साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो कि है हमारी पृथ्वी की सैटेलाइट, जिसका नाम है चंद्रमा। तो मून के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं सन की, कंप्लीट डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को एक बार आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें सारा का सारा सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके सोलर सिस्टम से यहाँ से बनते हैं तो 50+ क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, और हर किसी टॉपिक की मैं यहाँ पे बात करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा मैं यहाँ से निकलता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको इस
वीडियो की पीडीएफ अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर आप विजयपथ एजुकेशन पालमपुर सर्च करें और उसको आप ज्वाइन करें, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ या फिर अदर स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सन की बात करते हैं यहाँ पे, तो सन आपने यहाँ पे देखा है कुछ इस टाइप का दिखता है। तो सन क्या है? एक तारा है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया ये प्लैनेट नहीं है। सन जो है वो क्या है? एक स्टार है, एक प्लैनेट है। उसके बाद सेकेंड है, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष मानी जाती है? तो 5 बिलियन वर्ष जो है वो सूर्य की आयु लगभग मानी जाती है। सूर्य में हाइड्रोजन 71% रहता है, हीलियम 26.5% और अन्य जो भी हमारे एलिमेंट रहते हैं वो 2.5% के आसपास रहते हैं, और ये इन सब का जो है एक रासायनिक मिश्रण होता है। तो केमिकल फॉर्म में ये सारे के सारे मिक्सअप होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है सूर्य में, वो है आपके पास हाइड्रोजन, और कितना परसेंट है? 71%। और यही एक मेन सोर्स है सन से इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलने का। उसके बाद सूर्य जो है, सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को सलयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सूर्य के साथ साथ जितने भी हमारे स्टार रहते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिश्रण है, तो उसको सलयन अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और सेकंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम दूरी आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। सो हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो कि आपके HPSSC के द्वारा भरे जाते हैं, उनके लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका आर्मी का हो, चाहे वो आपका डिफेंस से रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम का रहता हो, या फिर आप HP पटवारी, हिमाचल पुलिस या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये GK का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सूर्य का व्यास जो है, मतलब कि डायमीटर लगभग कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13,92,000 किलोमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, व्यास है, मतलब कि इसका सिर्फ और सिर्फ डायमीटर है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि 8 मिनट 18 सेकंड में बताया था, अब यहाँ पे 16.6 सेकंड, तो हर किसी बुक में वेरिएशन रहती है, आपको एवरेज के अकॉर्डिंग जो है वो 8 मिनट और 17 सेकंड के आसपास आप यहाँ पे हिट कर सकते हैं, इतना टाइम जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। उसके बाद सूर्य में जो हल्के हल्के धब्बे हैं उसको सौर्यकलन कहा जाता है, जो कि चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यहाँ से जो सूर्य के ऊपर जो हल्के हल्के एक लाइट स्पॉट यहाँ पे दिखते हैं, उसको जो है वो सौर्यकलन, मतलब कि सोलर ग्रेशन के नाम से हम जानते हैं, और इसमें से जो मैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलती है, जिनसे पृथ्वी के संचार में जो है वो खराबी आ जाती है, मतलब कि पृथ्वी से कनेक्शन जो है वो वहाँ से थोड़ा सा वीक रहता है। तो ये आपके सारे के सारे सन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। अभी यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात नहीं की गई है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि एक पृथ्वी का क्या है, एक सैटेलाइट है, और ये एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, नेचुरल उपग्रह ये हमारा। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है ये एक छोटा सा पिंड है जो कि पृथ्वी के 1/4 पार्ट में, अगर पृथ्वी अगर 1 है तो उसका 1/4 हिस्सा वो कौन सा आ जाएगा, वो चांद आ जाएगा। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम क्या है, लिबनिटिस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मून की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और उसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ पे बताई गई है 35,000 फुट, या फिर आप बोल सकते हैं 10,668 मीटर जो है वो इसकी क्या रहती है, हाइट रहती है। उसके बाद चंद्रमा के अगर मैं व्यास की बात करता हूँ, डायमीटर की बात करता हूँ, तो इसका लगभग 3476 ये इसका व्यास है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है 1738
किलोमीटर के आसपास यहाँ पे रहती है। उसके बाद सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या फिर चंद्र मास कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो चंद्रमा की जो परिक्रमा रहती है, जब उसको कितना टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है, तो उसको हम चंद्रमास के नाम से या फिर साइनोडिक मास के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉसिल प्लैनेट के नाम से भी किसको जानते हैं, चंद्रमा को ही जाना जाता है। उसके बाद चंद्रमा के अध्ययन करने के विज्ञान को, जो चंद्रमा की स्टडी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी के नाम से जो है वो यहाँ पे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये आपसे पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड। काफी डीप क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में चंद्रमा को कितना टाइम लगता है, तो ये है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी ये घूमता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम धरती से चांद को देखते हैं तो एक ही हिस्सा जो है वो चांद का यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, तो 38,465 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे औसत दूरी या फिर एवरेज डिस्टेंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी महीने में कितने बार समकोण बनाते हैं, कितने बार राइट एंगल बनाते हैं ताकि 90 डिग्री का एंगल बने, तो ये भी क्वेश्चन है। एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 बार जो है इनमें समकोण या फिर राइट एंगल बनता है। उसके बाद चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन सी आ जाती, पृथ्वी यहाँ पे आ जाती, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक बार सूर्य ग्रहण के बारे में पहले हल्का सा बता देता हूँ और फिर चंद्र ग्रहण के बारे में भी बता देता हूँ। जो अगर सूर्य ग्रहण है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सन और यहाँ पे मैंने लिखा मून और यहाँ पे मैंने लिख दी अर्थ, ये हमारा सूर्य ग्रहण है। इसमें क्या रहता है, सन और जो अर्थ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है, तो इसको सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सन और मून के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी यहाँ पे आ जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको चंद्र ग्रहण के नाम से कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को ही होता है। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान यहाँ पे भेजा गया था नासा के द्वारा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है वो यहाँ पे गए थे और इन्होंने पहली बार चंद्रमा पर जो है वो अपना कदम यहाँ पे रखा था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले अपोलो 11 जो है यहाँ पे वो किसके द्वारा भेजा गया था, तो नासा के द्वारा जो है वो यहाँ पे भेजा गया था, अमेरिका के द्वारा। कब भेजा गया था, तो जुलाई 1969 में भेजा गया था। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो एडविन बज एल्ड्रिन उनका नाम था, तो वो एक दूसरे व्यक्ति बने थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। अब 1969 आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट यहां से दो चीजें बन के आती हैं। पहली तो 1969 आपको पता है कि अपोलो 11 जो है वो अंतरिक्ष यान अमेरिका के द्वारा या नासा के द्वारा भेजा गया था चांद के लिए, और 1969 में ही इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अगस्त 1969 को ही इसरो की भी स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको हम जानते हैं और काफी बड़ी जो एक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, काफी बड़ी बात है इंडिया के लिए कि इतनी इंडिया ने तरक्की की है स्पेस साइंस में
और यहाँ पे इसरो का ही उसी के रिगार्डिंग जो है वो इसरो का भी क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और अभी कुछ टाइम बाद 2023 और 2024 के आसपास गगनयान जो है वो भी इसरो के द्वारा ही यहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी नामक स्थान जो है वो भी कहाँ पे है, चंद्रमा पर ही है। और चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी की लगभग क्या है पृथ्वी पुरानी है। तो 460 करोड़ वर्ष क्या है पुराना हमारा चंद्रमा है। तो सन से जितने सन और मून उन दोनों से जितने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। आगे हम बात करते हैं प्लैनेट के बारे में, जितने भी हमारे प्लैनेट रहेंगे उनको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बीच में जो है वो सन यहाँ पे रहता है, और उसके बाद जो हमारा सबसे पहला प्लैनेट रहता है वो हमारा रहता है बुध। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ों के थ्रू जो है, डिस्टेंस के थ्रू भी और साइज के थ्रू भी, दोनों ही रेशियो में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किसका स्थान जो है वो सबसे पहला और किसका स्थान सबसे अंतिम आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो कि निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह क्या है, यहाँ पे बीच में सन है यहाँ पे, और कोई भी एक ग्रह है वो क्या करेगा, इस सन के चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो उसको हम प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रैवल करते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितने ऐसे ग्रह हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वो हैं टोटल दो प्लैनेट, शुक्र और अरुण। और बाकी जो भी हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकी, अगर डिस्टेंस की फॉर्म में या दूरी का जो क्रम रहता है, तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस, और लास्ट में आता है नेपच्यून। तो अरुण को जो है वो यूरेनस के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके साइज की बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा ग्रह आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और उसके बाद आती है पृथ्वी। तो आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा क्वेश्चन पृथ्वी के ही बनते हैं। डिस्टेंस की फॉर्म में पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन आकार के फॉर्म में पृथ्वी जो है वो पांचवें नंबर पे आती है, फिर उसके बाद आता है शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो टोटल आठ ग्रह जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। अब वन बाय वन जितने भी हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं उनको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो को एक बार आप शेयर जरूर कर दें और लाइक आप जरूर करें, साथ में विजयपथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो को पाने के लिए। सबसे पहले बुध की बात करते हैं, तो बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीक का ग्रह है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मैं उसी के ऊपर यहां पे डिस्कस करूंगा। सबसे कम टाइम ये लगाता है सूर्य के चक्कर लगाने में, तो 88 डेज में ये एक चक्कर जो है वो लगा देता है। सबसे कम समय में, सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में ये जो है वो चक्कर लगाता है। अब इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब इसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यहाँ पे वायुमंडल भी नहीं है। इसलिए अगर वायुमंडल नहीं है तो इसका मतलब वहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पृथ्वी से आकार में ये 18 टाइम छोटा है, 18 टाइम जो है ये पृथ्वी से छोटा है। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये इसका 3/8 है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 560 डिग्री के आसपास है, सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है। और इसकी घूमने की अगर मैं बात करूं तो ये 58.6 डेज में ये अपना एक कंप्लीट घूर्णन काल जो है वो एक कंप्लीट करता है। और मेरिनेट 10 जो है वो बुध का कृत्रिम उपग्रह है, मतलब किसी न किसी के द्वारा वहां पे ये भेजा गया है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, कृत्रिम हम इसको यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद सेकेंड की बात करते हैं वीनस, जिसको हम शुक्र के नाम से जानते हैं। तो ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे गर्म ग्रह है,
टेम्परेचर इसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन इसको लगते हैं और ये विपरीत दिशा में जो है वो मूव करता है, पूरब से पश्चिम की दिशा में ये मूव करता है। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त जो है वो इसमें पूरब की तरफ होता है। उसके बाद इस ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CO2 की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा है और बाकी 3.5 जो है इसमें नाइट्रोजन का हिस्सा रहता है। अब उसके बाद शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है। इसको सांझ का तारा या भोज का तारा के नाम से भी जानते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से भी इसको जानते हैं। पृथ्वी की भगिनी, भगिनी का मतलब होता है बहन, तो पृथ्वी की बहन जो है वो भी हमारे शुक्र को ही कहते हैं, क्योंकि इसका आकार, घनत्व मतलब डेंसिटी या फिर डायमीटर, व्यास लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली पृथ्वी के ही समान रहता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। अब इसके पास जो है कोई भी अपना सैटेलाइट जो है वो नहीं है, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसमें अंतर्ग्रह की श्रेणी में ये आता है। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं अर्थ की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमारा प्यारा जो है वो अर्थ का यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया गया है। ये हमारी प्यारी अर्थ है, पृथ्वी है। सौरमंडल का सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। दूरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पे आता है, और आकार या फिर द्रव्यमान के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये पांचवें स्थान पे आता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी होने के कारण ये स्पेस से, अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, इसलिए इसको जो है वो नीला ग्रह के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। पृथ्वी में 71% भाग जो है वो जल है और बाकी 29% जो है वो इसमें स्थल है, मतलब कि जमीन है। अब ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है और इसी से जो है वो ऋतु परिवर्तन यहाँ पे होता है, मतलब कि सर्दी गर्मी जो है वो इसी के कारण यहाँ पे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके लिए कि कितने डिग्री अक्ष पर ये घूमी हुई है, झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। इसके बाद ये पृथ्वी से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 घंटे में एक चक्कर को ये पूरा करती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा कितने से करती है, तो 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। और डीप क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 365 दिन और 6 घंटे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो एक चक्कर लगाने में ये इतना टाइम लेती है, जिसको कि हम 1 ईयर के नाम से जानते हैं, मतलब एक साल का ये चक्कर रहता है। अब ये 6 घंटे जो हैं, दूसरे साल में भी 6 घंटे लगेंगे, तीसरे में भी और चौथे में भी, इसलिए जब 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 घंटे का मतलब एक दिन, इसीलिए 4 सालों के बाद जो है वो एक लीप ईयर देखने को यहाँ पे मिलता है। अब 24 घंटे का मतलब है एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो जो कि आपका फरवरी में काउंट किया जाता है, तो फरवरी लीप ईयर में 28 के बजाय 29 में काउंट की जाती है। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा करने में जो पृथ्वी को समय लगता है, उसको सौर वर्ष के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। तो सौर वर्ष के नाम से हम यहाँ पे किसको जानते हैं, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है उसमें जो टाइम लगता है उसको सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होता है और इस अवस्था को जो है वो उपसौर के नाम से जानता है, उपसौर के नाम से कहा जाता है। और इसकी लगभग दूरी जो है सबसे नज़दीक के केस में तो 14.70 किलोमीटर जो है वो इसकी दूरी लगभग रहती है। और 4 जुलाई को ये सबसे अधिक दूरी पर रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। नज़दीक को उपसौर और दूरी, ज़्यादा दूरी होने पर अपसौर कहा जाता है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है और चंद्रमा का प्रकाश जो है वो 1 मिनट
25 सेकंड में यहाँ पे पहुंचता है। तो ये मून से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे छूटा था, मिस हुआ था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दिया। अब सूर्य का सॉरी पृथ्वी का सबसे निकट का तारा की बात करें कि सबसे नजदीक का स्टार कौन सा है, तो सूर्य के बाद वो हम जानते हैं किसको, प्रोक्सीमा सेंचुरी को, जो कि पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है, 4.22 प्रकाश वर्ष, जिसको हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो इतना जो है ये प्रोक्सीमा सेंचुरी जो है वो पृथ्वी से दूर है। उसके बाद विषुवती व्यास और ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो है हमारा नेचुरल उपग्रह चंद्रमा। और वहाँ पे सबसे पहले कौन गया था, तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे अपोलो 11 में 1969 में, जिन्हें नासा के द्वारा जो है वो भेजा गया था। अगला ग्रह की बात करते हैं, मंगल, जिसको मार्स के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा रेड है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और लाल होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा यहाँ पे रहती है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंगलयान इसरो के द्वारा कब भेजा गया था, और धरती से जब मंगलयान लॉन्च किया गया था तो कितने समय में वो मंगल पे लैंड कर गया था, मतलब कितने दिन उसको लगे थे कि वो मंगल ग्रह पे पहुंच गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने पहली ही ट्राई में मंगल ग्रह पर अपनी सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च की है। उसके बाद ये जो है ये मंगल ग्रह 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, इसलिए वहाँ पे मौसम जो है वो ज़्यादा चेंज होता रहता है। अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री अक्ष पर घूमी है, इसी के कारण वहाँ पे जो ऋतु परिवर्तन है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद मंगल ग्रह की बात करते हैं, इसमें अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान रहता है। ये अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे और 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको जो है वो 687 डेज यहाँ पे लगते हैं। सबसे अधिक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहती है, 2 और 3% में लगभग नाइट्रोजन रहती है, और 2% जो है वो आर्गन गैस मंगल ग्रह पे रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंगल ग्रह का, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिसमें से पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो ये आर्मी के जो आपके एग्जाम रहते हैं, चाहे वो आपका अग्निवीर में जीडी का एग्जाम हो या फिर आपका टेक्निकल का एग्जाम हो, ट्रेडमैन का एग्जाम हो, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर क्लैरिकल का एग्जाम हो, उन सभी में इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बड़ी बार आपसे पूछा गया है। या फिर अदर एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये आपका टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी जो है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, किस ग्रह का, मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको हम बोलते हैं निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो है वो सौरमंडल का मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहां पर है और ये किस कंट्री में पड़ता है, जरूर आप एक बार कमेंट करें, अपने आप को चेक करें। उसके बाद फिफ्थ हमारा प्लैनेट आता है जिसका नाम है बृहस्पति, जिसको जुपिटर के नाम से जानते हैं। काफी बड़ा ग्रह है और आकार के हिसाब से ये सबसे बड़े नंबर पे आता है, और दूरी के हिसाब से ये 5वें नंबर पे, आकार के हिसाब से पहले नंबर पे और दूरी के हिसाब से 5वें नंबर पे आता है। ये पृथ्वी से लगभग 1300 गुना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद ये ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने एक्सिस पे सबसे ज्यादा तेजी से घूमता है, तो उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। और ये लगभग 9 घंटे 55 मिनट, जिसको कि हम 10 घंटे के बराबर बोल सकते हैं, इतने टाइम में ये एक चक्कर जो है वो अपना कंप्लीट कर देता है। और सूर्य की परिक्रमा लगाने में इसको अप्रोक्सीमेटली 12 साल जो है वो लग जाते हैं, और जिसको हम 11 वर्ष 9 महीने के नाम से वैसे तो बेसिकली बोलते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसको 12 साल के इससे ही हम इसको जानते हैं। इस ग्रह में हाइड्रोजन हीलियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और
बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा जो इसका सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमेड, और 16 इसके उपग्रह हैं और ये पीले रंग का रहता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चली है। वीडियो को एक बार आप ज़रूर लाइक कर दें, और वीडियो को आप 2-3 बार तक अगर इसको आप रेपिटेशन की फॉर्म में देखेंगे, या फिर अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं, तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये आपके माइंड में हिट हो जाएगा। उसके बाद शनि की बात करते हैं, सैटर्न। तो ये आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है, और इसके चारों ओर जो है वो एक छल्ला टाइप जो है, एक रिंग जो है वो इसके पाई जाती है, और यही इसकी सबसे एक मुख्य पहचान है। ये एक पीले रंग का रहता है। टाइटन एक ऐसा इसका उपग्रह है जो वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों में ही पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शनि से एक क्वेश्चन और है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं सौरमंडल में, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो वो है शनि। पहले जो है वो बृहस्पति था, जुपिटर था, लेकिन अब जो है वो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है शनि का। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में करता है? तो 29 वर्षों में। 29 वर्षों में ये इसका एक चक्कर पूरा होता है। इसका घनत्व तो सबसे कम है, मतलब डेंसिटी सबसे कम है, और पृथ्वी से लगभग कितना कम है? ये 30 गुना कम है। 30 गुना कम है पृथ्वी की, सॉरी, इसकी डेंसिटी पृथ्वी से। इस ग्रह को लाल दानव के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन लाल ग्रह जो है वो नहीं कहा जाता, लाल दानव के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, यहाँ पे 30 बताए गए हैं। आप इसको एक बार जरूर चेक करें कि 30 से ज्यादा जो है वो शनि के उपग्रह हो सकते हैं। अब ऐसा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्योंकि जब भी कोई नई रिसर्च होती है तो उसमें अपडेटेड डाटा को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड ढूंढा है तो उसके अकॉर्डिंग 30 इसकी सैटेलाइट यहाँ पे निकल के आई है। आप एक बार इसको ज़रूर चेक करें। इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लेनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, सबसे अधिक उपग्रह होने के कारण। टाइटेन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो लगभग लगभग किसके बराबर है? बुध जो हमारा एक ग्रह है उसी के बराबर जो उसका वो साइज यहाँ पे रहता है। उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारे पास यूरेनस, जिसको अरुण के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। ये आकार में तीसरे नंबर पे आता है, और सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग ये 7वें स्थान पर रहता है। इसकी खोज जो है वो सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी, और ये एक ऐसा ग्रह है शुक्र के अलावा जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का टाइम जो है वो लगता है। और शनि के साथ साथ यूरेनस भी एक ऐसा ग्रह है जिसमें चारों ओर जो है वो रिंग यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक सर्कल ऐसे करके बनाया गया है, तो ये एक टाइप का क्या है? रिंग है इसका। अब इसके जो है वो टोटल 21 उपग्रह हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे नाम बताए गए हैं। ये सारे इसके कुछ मुख्य उपग्रह हैं, जिनमें से मिरांडा, एरियल, ओबेरोन, टाइटेनिया, कार्डेलिया, ओफेलिया, ये सारे जो हैं वो इसी के एक मुख्य उपग्रह हैं। ये जो है 82 डिग्री जो है वो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसलिए ये लेटा हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस डिग्री के कारण ही, इसे झुके हुए कारण ही इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी यूनिक यूनिक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए, ढूंढ के निकाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो यहाँ पे मिल सके। इसका आकार जो है वो पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दूर है और इसे दूरबीन के बिना नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पे मीथेन गैस जो है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका कलर जो है वो हरा रंग दिखाई देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूरेनियम का रंग किसके कारण हरा दिखाई देता है? तो मीथेन के कारण। और मीथेन गैस का फॉर्मूले की बात करें तो CH4, ये जो है ये मीथेन का फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे नेपच्यून की बात करते हैं, सॉरी, मैंने यहाँ पे सेकंड लास्ट शायद डिस्कस आपसे कर दिया था।
तो यहाँ पे सेवंथ हमारे पास आता है नेपच्यून, जिसको हम वरुण के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह की खोज जो है वो 1846 में की गई थी, जॉन गोले ने यहाँ पे की थी। और ये सूर्य से सबसे दूर आठवें स्थान पे रहता है, और सूर्य की परिक्रमा जो है वो 166 वर्ष में ये करता है। पीले रंग का ये दिखाई देता है, और इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा अधिकता रहती है। इसके टोटल 8 ग्रुप उपग्रह हैं, जिसमें से ट्राइटन एंड नेरिड ये इसके सबसे मुख्य उपग्रह हैं। तो ये मैंने टोटल आपके जो है वो सारे के सारे 8 यहाँ पे उपग्रह जो है वो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर दिए हैं। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से भी बता देता कौन कौन से हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे पहले यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये टोटल हमारे 8 उपग्रह जो हैं वो बनते हैं। सो सारे के सारे मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता देता। सो यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, वो क्या होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो भी हमारे छोटे छोटे पिंड हैं, जो भी छोटे छोटे ग्रह हैं, प्लैनेट की फॉर्म में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जो भी चीजें आती हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, तो उसको एस्ट्रॉइड या फिर क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उल्का पिंड क्या है? तो ये धूल और गैस के एक पिंड बनते हैं। धूल और गैस की एक फॉर्म है जो कि पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं और स्पीड पकड़ लेते हैं, और उसी के कारण ये क्या करते हैं, चमकने लगते हैं। तो ये नॉन लुमिनस की फॉर्म में ये आते हैं। नॉन लुमिनस एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अपनी एनर्जी से नहीं चमकते हैं, जो दूसरों की एनर्जी से चमकते हैं, तो उसको नॉन लुमिनस के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। तो आई होप आपको सारा का सारा यहाँ पे सौरमंडल का जितना भी डाउट थे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। साथ में सूर्य और मून के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ज़रूर आप इसको शेयर करें। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या फिर WhatsApp ग्रुप के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर ये जो आपके सामने नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर के ऊपर भी आप मैसेज करके जो है वो हमारे WhatsApp ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। फ्री मटेरियल पाने के लिए भी आप हमारे WhatsApp टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका HP पटवारी हो, हिमाचल पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, HPSSC, GOIT या फिर आपका एग्ज़ाम हो सेक्ट्रेट का, तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमारे नोट्स जो हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं। आप हमारी विजयपथ एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।